फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे कई टाइम से जुड़े हैं, आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो, तो आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि मैंने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा कि साइंस भी इसे सही मानता है, विज्ञान भी इसे सही मानता है, या फिर साइंटिफिकली ये प्रूफ है। मैंने हमेशा यही कहा है कि साइंस इसे नहीं मानता और ये साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में मैं ये खुलकर कह सकती हूँ कि जो मैं वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ वो बिल्कुल सही जानकारी है और विज्ञान भी इसे सही मानता है और साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है। दोस्तों, वो क्या है? वो ये है कि आपका जो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटा हो या फिर आप चाहते हो कि बेटी है, दोस्तों इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप बेटे के लिए ये करो, बेटी के लिए ये करो। जो आप चाहते हो, अगर आप बेटा कंसीव करना चाहते हो तो आप बेटा कंसीव कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटी कंसीव हो तो आपको बेटी कंसीव हो सकती है। दोस्तों देखिए, कुछ लोग मेरी तरह हैं, जैसे कि मेरा एक बेटा है तो मैं ये चाहती हूँ कि नेक्स्ट जो बेटा हो वो मुझे एक बेबी गर्ल हो, ठीक है? ऐसे आप भी चाहते हो क्योंकि इससे फैमिली कंप्लीट हुई सी लगती है। तो सभी चाहते हैं फैमिली कंप्लीट करना, लड़का भी ज़रूरी है और लड़की भी ज़रूरी है। जितना ज़रूरी लड़का होता है उतनी ही ज़रूरी लड़की भी होती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लड़के के लिए करो, आप चाहें तो लड़की के लिए भी ये कर सकते हो। अब वो क्या काम है दोस्तों? वो है सेक्स। संभोग आपको किस दिन करना है जिससे कि आप अपने मन मुताबिक संतान को कंसीव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए डिटेल में जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बिल्कुल सही जानकारी, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या है। तो दोस्तों, आपको सही दिन किया गया संभोग, सही दिन किया गया जो सेक्स है वही डिसाइड करता है आपका होने वाला बच्चा क्या होगा। जो आप चाहते हैं आप उस दिन सेक्स करिए, आपको बेटा होगा। अब किस दिन करना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये किस पर डिसाइड होता है। ये डिसाइड होता है क्रोमोसोम्स पर। तो जैसे कि हम जानते ही होंगे, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि बच्चा कैसे होता है, लड़का और लड़की कैसे डिसाइड होते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो नहीं देखा हो तो मैं इस वीडियो में शॉर्ट में बता देती हूँ। तो जो मेल होता है, जो लड़का होता है, उसमें दो क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। वहीं लड़की के पास केवल एक होता है जो कि एक्स होता है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम उसके पास होता है। अब ये कैसे होगा, अगर महिला का जो एक्स क्रोमोसोम है वो पुरुष के एक्स क्रोमोसोम से मिल गया तो लड़की हो गई, और अगर जो वाई क्रोमोसोम जो होता है मेल का वो लड़की के एक्स क्रोमोसोम से मिल गया तो लड़का हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे किया जाए कि हमें लड़का चाहिए तो हम वाई को ही कैसे मिला सकते हैं और लड़की चाहिए तो हम एक्स को ही कैसे मिला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी लड़कियों को पीरियड्स होते हैं, मासिक धर्म होता है। तो आपको क्या करना है, ओव्यूलेशन का डे डिसाइड करना है। आपको ओव्यूलेशन पीरियड को आपके टारगेट करना है। मतलब ओव्यूलेशन वो दिन होता है जिस दिन आपका जो अंडा है वो रिलीज़ होगा। लड़की का ओव्यूलेशन वाले दिन अंडा एक रिलीज़ होता है। अब वो रिलीज़ होने के बाद में वो वेट करता है कि कोई भी पुरुष का जो स्पर्म है वो आए, उससे मिले और वो लड़का बनाए। अगर वाई में पहले मिल जाता है तो लड़का हो जाता है, और अगर फर्टिलाइज करके लड़का हो जाता है, और अगर एक्स पहले मिलकर फर्टिलाइज कर देता है तो लड़की हो जाती है। अब लड़का चाहिए तो हमें अगर लड़का चाहिए तो वाई से फर्टिलाइज कराना होगा, और लड़की चाहिए तो एक्स से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कैलेंडर के थ्रू कि आप कैसे वाई को उसके लड़की के जो एग होता है उससे आप उसे मिला सकती हैं और फर्टिलाइज करा सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई की लाइफ स्पेन कितनी होती है। जो वाई की लाइफ स्पेन होती है ना, वो कम दिन की होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जल्दी जल्दी जाकर अपनी एनर्जी खो देता है और जल्दी वो मर भी जाता है, मतलब एक दिन में। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो धीरे धीरे जाता है और उसकी लाइफ भी धीरे धीरे होती है, मतलब दो दिन की वाई से ज़्यादा होती है। तो हमें कोशिश करनी होगी कि जल्द से जल्द हमें वाई क्रोमोसोम को मिलाना है, अगर आपको लड़की चाहिए तो आपको करना क्या होगा, चलिए कैलेंडर के थ्रू जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब मानते हैं कि अगर आपका पीरियड डेट आपकी 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख से लेकर अब 14 दिन जोड़िए, 14वें दिन आपको ओव्यूलेशन होगा। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये
14 मतलब इस दिन आपका एक एग रिलीज होगा, अंडा रिलीज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और बात समझ लेते हैं। देखिए दिन से काउंट, हमें डेट से काउंट नहीं करना, हमें दिन से काउंट करना है। अगर एक तारीख से हम 14 दिन, तो 14 दिन वैसे ही हो रहा है। अब हम ले लेते हैं 4 तारीख, ठीक है। तो अगर हम अगर आपका पीरियड्स आया 4 को, ओके, तो अब 4 से हम गिनते हैं 14 दिन कब हो रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 मतलब 17 तारीख को आपका एग रिलीज़ होगा। अब हमें कोशिश ये करना है कि 14 तारीख को, 14 तारीख को ही जो वाई क्रोमोसोम है मेल का, वो एग को फर्टिलाइज करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 17 तारीख को सेक्स करना होगा। आप चाहें तो 16 को भी कर सकते हैं, 17 को भी कर सकते हैं और 18 को भी। इन तीनों दिन में से अगर आप किसी दिन सेक्स करते हैं तो आपको बेटा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, वो जल्दी से जाएगा। और वो पहले जो, मतलब अगर आप उस दिन सेक्स करोगे तो क्या होगा, बहुत सारे जो स्पर्म होते हैं मेल के, वो अंडे के पास जाएंगे और फर्टिलाइज करेंगे। तो एग्स की गति, जैसा कि मैंने बताया, वो धीमी होती है, तो वो धीरे धीरे पहुंचेगा। लेकिन जो वाई की गति होती है वो बहुत फास्ट होती है, तो वो जल्दी से जाएगा, एक्स से पहले वहाँ पे पहुंच जाएगा और उसको फर्टिलाइज कर देगा और लड़का बन जाएगा। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटी हो, तो आपको क्या करना होगा, ये 3 दिन जो होते हैं ना, 13, 14 और 15, मतलब जो आपके ओवुलेशन के 4-5 दिन पहले आपको सेक्स करना होगा। अगर आप 13, 14, 15 को सेक्स करते हो तो क्या होगा, वाई क्रोमोसोम अगर वाई क्रोमोसोम निकला ना मेल में से, वो तो पहले जाएगा और 17 के पहले पहले वो निकल के मर भी जाएगा। लेकिन जो एक्स है वो धीरे धीरे जाएंगे और एक्स से मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लड़का चाहिए तो 16, 17, 18 इन 3 दिन में से आप सेक्स कर सकते हैं और वाई क्रोमोसोम को पहले पहुंचाकर लड़की के एक्स क्रोमोसोम तक और अंडे तक उसको फर्टिलाइज करवा के लड़का कंसीव कर सकते हैं। और अगर लड़की चाहिए तो 13, 14, 15 को सेक्स करके छोड़ देना है आपको, फिर नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर फिर करेंगे तो फिर लड़का होने के चांसेस हो जाएंगे। तो 13, 14, 15 तारीख तक किया और छोड़ दिया, उसके बाद नहीं करना है, तो आपको लड़की होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने अच्छी तरह से इसे फॉलो कर लिया, अच्छी तरह से अगर आप समझ गए हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप समझ चुके हैं और आपको क्या चाहिए। आप लड़के के लिए ये कर रहे हैं या फिर लड़की के लिए ये कर रहे हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और नहीं आई तो भी कि क्या समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भी तरीका ना 100% नहीं बता सकता। ये जो मैंने बताया ना, इसके ऊपर भी स्टडी की गई है और ये भी सही हुआ है, लेकिन कुछ केसेस में ये नहीं भी हुआ। अब उसमें किसकी गलती है, या हो सकता उन लोगों से जो कपल हैं उन लोगों से कुछ गलती हो गई, इसलिए उन्हें अपने मन मुताबिक संतान नहीं मिली। लेकिन हाँ, ज़्यादातर केसेस में ये सही हुआ है और विज्ञान भी इसे सही मानता है। आप पहले ही गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। सो ये थे आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।